हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इम्पोर्टेंट टॉप 10 अपडेट की तरफ। सबसे पहली एंड सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। आपको याद होगा आज से तकरीबन 2 महीने पहले 1 अप्रैल 2024 को ये न्यूज आई थी कि चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की 30 लोकेशन के नाम को चेंज करके उनके लिए नए चाइनीज नामों की घोषणा की थी। ये पहली बार नहीं था जब चाइना ने भारत की बाउंड्री के अंदर लोकेटेड अरुणाचल प्रदेश की किसी जगह का नाम चेंज किया हो। साल 2017 में भी चाइना ने इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश की 6 लोकेशंस के नाम चेंज किए थे। साल 2021 में 15 लोकेशंस, जबकि साल 2023 में चाइना ने 11 लोकेशंस के नाम चेंज करके उन्हें नए चाइनीज नाम दिए थे। अब हुआ क्या कि मोदी सरकार इस मामले में चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने जा रही है। पिछले कल भारत के कई सारे न्यूज चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि मोदी सरकार ने अब चाइना की 30 लोकेशंस के नाम चेंज करके उनके लिए नए नामों की घोषणा करने का फैसला किया है, जो कि चाइना की बाउंड्री के अंदर के होंगे। द डिप्लोमेट ने जो इसके ऊपर स्टोरी की है उसका आर्टिकल रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का जो तिब्बत रीजन है, भारत सरकार वहां की 30 लोकेशंस के नए नाम जारी करेगी जो कि हिंदी भाषा में होंगे, यानी कि हिंदी नाम रिलीज किए जाएंगे। जैसे सरकार का गठन होता है और दिल्ली में डे टू डे अफेयर्स पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद इन 30 नए नामों की घोषणा कर दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब फैसला किया है कि वो चाइना को लेकर एग्रेसिव अप्रोच लेकर चलेंगे। इस बार उन्होंने इतिहास में पहली बार लाई चिंगते के बधाई संदेश का जवाब दिया था। एंड आपको पता है कि जिस तरह से चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हिस्टोरिकल क्लेम करता है, भारत ने तिब्बत रीजन के ऊपर वैसा क्लेम कभी नहीं किया है। अक्साई चीन के ऊपर भारत का हिस्टोरिकल क्लेम हमेशा से रहा है एंड हमने चाइना पाकिस्तान के सीपैक कॉरिडोर का भी विरोध किया था क्योंकि वो अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ही क्रॉस होता है। लेकिन भारत का तिब्बत रीजन की 30 लोकेशंस का नाम चेंज करना ये वाकई में दिखाता है कि तीसरे टर्म में चाइना प्रधानमंत्री मोदी जी का एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का फेस देखने वाला है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर को लेकर। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अजीत डोवाल सर का टेन्योर खत्म हो रहा है और नई सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी जी को डिसाइड करना होगा कि देश का नया सिक्योरिटी एडवाइजर किसको अपॉइंट किया जाए। अब इसको लेकर कई सारी कंफर्म रिपोर्ट आ गई है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर अजीत डोवाल सर का टेन्योर 3 जून 2024 को ही खत्म हो गया था, यानी आज से 6 दिन पहले। एंड नए टर्म के लिए खबर आ रही है कि अजीत डोवाल सर ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए आगे कंटिन्यू ना करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द ट्रिब्यून के भी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट्स आ रही है कि मोदी सरकार अजीत डोवाल सर के ऊपर दबाव डाल रही है कि वो एक और टर्म के लिए एक्सटेंशन ले ले। लेकिन अगर इसके ऊपर बात नहीं बन पाती है तो फिर फॉर्मर रॉ चीफ आलोक जोशी सर को भारत का नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया जा सकता है। उनका भी नाम सबसे आगे निकल कर आ रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अपॉइंटमेंट का फैसला अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट करती है। वो डिसाइड करती है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिप्टी एनएसए किसको बनाया जाए। एंड इस अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के 2 मेंबर्स होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और दूसरा होम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री तो खैर नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, लेकिन देश का गृह मंत्री कौन बनता है वह शाम तक क्लियर हो जाएगा। आज की थर्ड अपडेट आ रही है तमिलनाडु के तिरुपुर से। दरअसल तमिलनाडु का तिरुपुर अपेरल इंडस्ट्री के लिए काफी पॉपुलर है। भारत का शायद ऐसा ही कोई बड़ा क्लोथिंग ब्रांड होगा जिसकी तिरुपुर में कोई भी कपड़ों की फैक्ट्री ना हो। अब यहाँ पर जो कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर वर्कर्स हैं, उनमें बड़ी संख्या में लोग भारत की दूसरी स्टेट से वहाँ पर आकर काम कर रहे थे, यानी माइग्रेंट वर्कर्स थे। प्राइमरली उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और वेस्ट बंगाल के लोग यहाँ पर क्लोथिंग फैक्ट्रीज में काम करते थे। खबर आ रही है कि पिछले 2 महीनों के दौरान लोकसभा चुनावों में वोटिंग के लिए यहाँ से बड़ी संख्या में वर्कर्स अपनी अपनी होम स्टेट में गए थे, जिनमें से मेजोरिटी वर्कर्स अब वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से इन सब फैक्ट्रीज का काम काफी प्रभावित होने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपुर में जो अपेरल और क्लोथिंग फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर 1 लाख से 1 लाख 50 हज़ार वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और वेस्ट बंगाल के सारे वर्कर्स या फिर ये कह लो कि मेजोरिटी वर्कर्स ये वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो अपने अपने गृह राज्य में ही कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। दरअसल खबर आ रही है कि पिछले कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 4 लोगों को सरकारी नौकरी से टर्मिनेट करके घर भेज दिया है। इनमें 2 पुलिस कांस्टेबल थे, 1 टीचर था और 1 असिस्टेंट लाइनमैन था। एंड इन 4ों के लिंक्स आतंकी संगठनों के साथ पाए गए थे। जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि जिस भी सरकारी कर्मचारी का आतंकी संगठन या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ कोई छोटा सा भी लिंक पाया गया तो उसको सरकारी नौकरी से तुरंत निकाल दिया जाएगा, फिर चाहे उसको कोर्ट से बरी कर दिया जाए या फिर कम सजा ही क्यों ना मिले। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेकर। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना के दौरे के ऊपर गया हुआ है। वहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बायलेटरल मीटिंग करने के बाद पाकिस्तान और चाइना ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने फिर से भारत के कश्मीर मुद्दे को उठाया। चाइना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट इतिहास में काफी लंबे समय से पेंडिंग है और अब यूनाइटेड नेशंस के चार्टर
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के संबंधित रेजोल्यूशंस और बायलेटरल एग्रीमेंट्स के आधार पर इस डिस्प्यूट को प्रॉपर तरीके से और शांति से समाधान इसका निकाल देना चाहिए। इसके अलावा भारत को कहा गया है कि भारत जम्मू कश्मीर में कोई भी यूनिलेटरल यानी एक तरफा फैसला ना करे, मतलब कि आर्टिकल 370 तोड़ने जैसे फैसले भारत की सरकार ना करे, क्योंकि वो एक तरफा फैसले हैं। वैसे चाइना अब अपना तिब्बत संभाल ले, मोदी सरकार की नजर तिब्बत की 30 लोकेशंस के ऊपर पड़ गई है। ऐसा नहीं हो कि पाकिस्तान को पीओके के ऊपर सपोर्ट करते करते चाइना के तिब्बत में कोई बड़ा खेला हो जाए। आज की 6th अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। ये जो पिक्चर आप इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर नवाब खान है, सॉरी था, और ये भारत के खिलाफ काफी सारी आतंकी गतिविधियों में शामिल था एंड जम्मू कश्मीर में कई सारे हमलों में इसके काफी सारे लिंक्स मिले थे। खबर आ रही है कि पिछले कल अननोन गनमैन नवाब खान को बिना अपॉइंटमेंट के पाकिस्तान में मिलने चले गए थे एंड सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर इसको 72 के पास पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जैश कमांडर नवाब खान की अननोन गनमैन ने हत्या कर दी है एंड अगेन पाकिस्तान पुलिस को यहां पर भी नहीं पता चल पा रहा है कि ये अननोन गनमैन कहां से आए और कहां पर गायब हो गए। वैसे सैल्यूट इन अननोन गनमैन को जो एक एक करके भारत के दुश्मनों को 72 के पास पहुंचा रहे हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट जारी करने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत करके तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी। इसी को लेकर पिछले कल भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर अलेक्जेंडर पोलिशुक ने बोला है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का इनविटेशन दिया है। ये हिस्ट्री में पहली बार होगा जब भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की यात्रा करेगा। इसके साथ ही फोन कॉल में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यूक्रेन में प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी थी, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। यूक्रेन चाहता है कि रशिया के साथ वॉर के कारण जो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा तबाह हो गया है, जैसे कि रोड्स, हाईवेज, पुल, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, इन सबको दोबारा से रीबिल्ड करने में भारत की सरकार यूक्रेन की मदद करे और वहां पर कई सारे नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे। इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के नाम पर भारत यूक्रेन को कई बिलियन डॉलर्स की फंडिंग दे। मानो कि रशिया से वॉर करने के लिए भारत ने यूक्रेन को भेजा हो और हमारे कहने के ऊपर ही यूक्रेन रशिया से वॉर कर रहा हो। आई थिंक स्कूल, यूनिवर्सिटीज या हॉस्पिटल्स पे हम फिर भी मदद कर लें, लेकिन बाकी यूक्रेन की किसी भी डिमांड को भारत की सरकार को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। यूक्रेन जाकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नाटो देशों से पैसे ले लें, जो कि आज की डेट में इसको हथियार देकर रशिया के साथ लड़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही देश बना दे। आज की 8th अपडेट आ रही है रशिया से। हमने आपको बताया था कि रशिया में स्टडीज के लिए गए महाराष्ट्र के 4 स्टूडेंट्स की वहां पर एक नदी में डूबकर मौत हो गई थी, जिनमें से केवल 2 बॉडीज रिकवर हुई थी। अब इस केस को लेकर नई अपडेट आ रही है कि रशियन अथॉरिटीज ने नदी से बाकी 2 बॉडीज को भी रिकवर कर लिया है। चारों बॉडीज भारत के लिए जल्दी रवाना कर दी जाएंगी। एक और स्टूडेंट को जिसको डूबने से बचाया गया था, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड था, अब वो पूरी तरह से आउट ऑफ डेंजर है और जल्द उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। आज की 9th अपडेट आ रही है इंडियन बुक रीडर्स को लेकर। दरअसल स्टैट्स एशिया ने एक रैंकिंग जारी की है जिसमें एशिया के सभी देशों को इस आधार के ऊपर रैंकिंग दी गई है कि कौन से देश में बुक्स, जर्नल्स और मैगजीन्स पढ़ने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। सरप्राइजिंगली इस लिस्ट में भारत ने टॉप किया है। रैंकिंग का डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एशिया में सबसे ज्यादा बुक रीडर्स भारत में है, उसके बाद थाईलैंड और थर्ड नंबर के ऊपर चाइना आता है और एशिया के बाकी देशों की रैंकिंग्स आप इस वीडियो को रोककर देख सकते हैं। आज की 10th अपडेट आ रही है जापान से। जापान की पॉपुलेशन लगातार बूढ़ी होती जा रही है और बर्थ रेट लगातार जापान में नीचे गिरते जा रहा है। एक डेटा के मुताबिक पिछले साल जापान में केवल 7,27,000 बच्चों को ही जन्म हुआ था एंड आजकल जापान में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां पर लोग वहां पर शादी को अवॉइड कर रहे हैं, यानी शादी नहीं कर रहे हैं। डेटा के मुताबिक पिछले साल जापान में केवल 30,000 शादियां हुई थी, जबकि डाइवोर्स रेट जापान में काफी तेजी से बढ़ रहा है। फिर बच्चों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसी लो बर्थ रेट से निपटने के लिए जापान की सरकार ने अब एक सरकारी डेटिंग ऐप लॉन्च की है ताकि जापान के लोग फ्री में एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपने लिए जीवन साथी चुने। जापान की सरकार का कहना है कि उन्होंने इस डेटिंग एप्लीकेशन में मैचमेकिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है ताकि आपका मैच ऐसे पार्टनर के साथ हो जिसकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ सबसे ज्यादा हो। लाइक्स, डिसलाइक्स, आपको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, दोनों की पसंद नापसंद, उसी के आधार के ऊपर ये एप्लीकेशन आपके लिए पार्टनर सेलेक्ट करती है। गजब है यार। वैसे आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद 8 भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मैच स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए शाम वाली वीडियो हम कितने बजे अपलोड करें नीचे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।